नमस्कार दोस्तों, अपना देश चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ज्योतिष और तंत्र शास्त्र दोनों में ही होली को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। दोस्तों, इसका कारण ये है कि पहली चीज तो होली का त्यौहार पूर्णिमा के दिन आता है और पूर्णिमा के दिन किए गए उपाय कभी भी व्यर्थ नहीं जाते हैं। और दोस्तों, होली के दिन जो होलिका दहन होता है उसके द्वारा कई प्रकार की समस्याओं से निजात पाई जा सकती है और साथ ही दोस्तों उस समय किए गए उपाय और टोने टोटके तुरंत ही असर दिखाते हैं। लेकिन दोस्तों, होलिका दहन पर जो विभिन्न उपाय किए जाते हैं, अलग अलग समस्याओं के लिए जो उपाय किए जाते हैं, उन्हें करने के पहले आपने कुछ बातों का विशेष ख्याल रखना है। पहली चीज़ तो आपने इसमें संदेह नहीं करना है, आपने उस पर विश्वास करके ही उस कार्य को करना है। अगर आपके मन में तनिक भी शंका होगी तो उपाय काम नहीं करेगा। और दूसरी चीज़, उस उपाय को करने के पहले या करने के बाद भी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, तभी वह उपाय आपको फल दे पाएगा। चलिए जानते दोस्तों, होली के अद्भुत प्रयोग या उपाय, ये टोने टोटके, जिससे आपके जीवन के अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग समस्याएं जो है वो दूर हो सकती है। पहला उपाय उन लोगों के लिए है जो सरकारी डिपार्टमेंट या फिर कोर्ट के केसेस में फंसे और उससे निजात पाना चाहते हैं। दोस्तों, अगर आपका कोई काम सरकारी डिपार्टमेंट में फंस गया है या आपके ऊपर कोई कोर्ट केस चल रहा है, तो आपने करना क्या है कि होलिका दहन के समय जब आप जाएं तो अपने साथ आप एक कच्चा आम, क्योंकि इस समय आम आने लग ही जाते हैं, तो आपने एक कच्चा आम ले लेना है और एक मुट्ठी गेहूँ आपने अपने साथ ले लेना है। होलिका दहन में होलिका की पूजना, जो होलिका दहन की हमें पूजा करनी हो, कंप्लीट करने के बाद में उस गेहूं और आम को आपने अग्नि में डाल देना है। दोस्तों, इसके साथ ही आपके जो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी काम जो अटके हुए हैं वो पूरे हो जाएंगे और आपको कोर्ट केसेस में भी बहुत रिलीफ मिलेगा। अगला उपाय दोस्तों, उन लोगों के लिए जो अपने बिजनेस पार्टनर से या अपने दोस्तों की वजह से परेशान हैं, वो या फिर कोई ऐसा दुश्मन है जो उन्हें बार बार परेशान कर रहा है, तो ऐसे लोगों को एक बहुत ही सरल सा उपाय करना है। आपने एक मुट्ठी चावल और 7 फूटी हुई कौड़ियाँ लेनी है और होलिका दहन के समय ईश्वर से अपनी समस्याओं के निराकरण की प्रार्थना करते हुए अग्नि में डाल देनी है। दोस्तों, होली की अग्नि के साथ ही वह जलकर आपकी जो भी समस्या है वो समाप्त हो जाएगी, आपके विवाद जो है वो शांत हो जाएंगे और आपके जो शत्रु हैं वो उनका जो प्रभाव है बिल्कुल से समाप्त हो जाएगा और आपके फ्रेंड्स या बिजनेस पार्टनर के बीच में भी कोई मन मुटाव है तो वह भी दूर हो जाएगा। तीसरा उपाय दोस्तों, उन लोगों के लिए जो जमीन जायदाद के विवाद में फंसे या प्रॉपर्टीज के मैटर से परेशान है, अपना हक नहीं मिल रहा है, कोई भी तरह की प्रॉपर्टी से रिलेटेड समस्या है, तो इसके लिए आपने 11 नीम की पत्तियां लेनी है और लाल चंदन लेना है और दोस्तों अपनी मनोकामना को मन में बोलते हुए जलती हुई होलिका में आपने उन 11 नीम की पत्तियां और लाल चंदन को अर्पित कर देना है। दोस्तों, बहुत जल्द जो है आपको आपका जो हक है वो जरूर से मिल जाएगा। अगला उपाय दोस्तों, उन लोगों के लिए है जो पिता या किसी बुजुर्ग से विवाद में फंसे हैं, जिनके अपने पेरेंट्स या फिर अपने बुजुर्गों से किसी तरह का मन मुटाव चल रहा हो, तो उन्हें करना क्या है, हल्दी की 7 गांठें और एक मुट्ठी चने की दाल लेनी है और होलिका दहन के समय अग्नि में डाल देनी है। दोस्तों, इसके उपाय के साथ ही आप अपने पिता या जिन भी बुजुर्ग के साथ आपका मन मुटाव है वो दूर हो जाएगा और आपके रिश्तों में मिठास आ जाएगी। दोस्तों, अगला उपाय मैक्सिमम सभी पेरेंट्स के लिए, क्योंकि आजकल सभी पेरेंट्स अपने बच्चों के जिद्दी स्वभाव की वजह से परेशान है। सभी पेरेंट्स के मुंह से ये सुनने को मिल जाता है कि मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता या मेरी बेटी मेरी बात नहीं सुनती। ये बहुत आम सी बात हो गई दोस्तों, आजकल बच्चे जो है किसी की नहीं सुनते हैं, अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग ही करते हैं। अगर आप भी अपने बच्चों की जिद्दी स्वभाव से परेशान हैं, तो आपने होलिका दहन के समय सूखे हुए प्याज, लहसुन और एक हरा नींबू जो है वो अग्नि में डाल देना है। दोस्तों,
सब चीज़ों के जलने के साथ ही आपके बच्चों की जो बुरी आदतें हैं वो दूर हो जाएंगी और वो आपकी बात मानने लगेंगी। तो दोस्तों ये थे 5 सरल उपाय जिन्हें आप अगर होलिका दहन के समय अजमाएंगे तो आपके जीवन की हर समस्या दूर हो जाएगी और आपके जीवन में सुख और समृद्धि का वास होगा। उम्मीद दोस्तों ये जानकारी आप सभी को अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए और साथ ही इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कीजिए। और दोस्तों अगर आपने अपना देश चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप फौरन कर लीजिए और साथ ही घंटी के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी को होली के पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं।